कट जाएगी कट जाएगी, चलो 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 चलो। आगे रहा ब्रास पानी और ऊपर वाली रोड पे आए हम फर्स्ट बार, सब पहली बार। तो ओ मेरी माटी, ओ एक्सपेरिमेंट। हेलो गाइस, क्या अब पकड़ी है टांग, काफी कस के पकड़ता है मोटू टांग, एक बार पकड़ दिया तो छोड़ता नहीं, बहुत खतरनाक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं सुबह के 8 बजे से स्टार्ट। जैसा कि गाइस मैंने आज सुबह दिखाया था कि किस प्रकार ये फूल खिले हुए थे, पर अब ये मुरझा चुके हैं। जिसको पता नहीं होगा, इस फूल को कहा जाता है रात की रानी, और ये ओनली रात को ही खिलती है। सुबह जब इस पे धूप पड़ती है तो यह सारे मुरझा जाते हैं। ये देखिए सारे मुरझाए हुए हैं, जैसे ही रात होगी ये सारे फूल खिल जाएंगे। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने बैलों को बांधने के लिए, तो पहले खोल लेते हैं पानी, इनको पानी पिला के अंदर करेंगे। दफनी यख बैठी अपनो सर्यास निहारी होली ओ मां। तो दोस्तों बैल तो हमारे सीधे अंदर ही भाग गए हैं, शायद इनको पानी की प्यास नहीं लगी क्योंकि आज धूप थी नहीं, तो उन्हें गर्मी लगी नहीं। तो मैं घास भी ले आया था कुछ देर पहले, और अब बांधते इनको, घास खोल लिया, ये घास खा रहे हैं। तो दरवाजा बंद करके चलते हैं अपने। तो मेरी सिस्टर भी आ चुकी है जो कि सारसों जा रही है जेठिया के घर, तो मम्मी और दी जा रहे हैं। गाइस हम जा रहे हैं सारसों। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेखाल और मौसम बताता हूँ आपको। तो वहां का मौसम कुछ ऐसा है, शाम को काफी तगड़ी बारिश पड़ी थी जिसके कारण की गर्मी में राहत पाई गई है, और जो 10-15 दिनों से गर्मी हो रही थी पहाड़ों तक में कि 31-33 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, तो उससे राहत मिली है। कल तक तो 33 डिग्री हाई जब मैंने देखा ना, मतलब यहाँ पहाड़ों का भी 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था, पर कल शाम को इतनी तगड़ी बारिश हुई कि मौसम में परिवर्तन हुआ और पूरे बादल आ गए थे, तो बादल तक भी नहीं आ रहे थे, काफ़ी गर्मी हो रही थी धूप के कारण। क्या ही बताया आपको, रात को सब लैंटरों में सो रहे अपने, मतलब अपने घर की छतों में सो रहे हैं ज़्यादातर गांव वाले, जिनके जिनके छत हैं वो सो रहे हैं छत। और परसों मैं भी सोया था छत में, काफ़ी मज़ा आया था, तो काफ़ी गहरी आई थी, पता नहीं चला कि रात कब गुजर गया, मतलब काफ़ी अच्छी नींद आई थी। ओ सुनी देवी, ओ। तो काफ़ी अच्छा मौसम और है, आगे के सारे पहाड़ दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, आगे के जो भी पहाड़ हैं पेड़ पौधे हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है, और ठंडी हवाएं चल रही है और काफ़ी सुकून मिल रहा है। इसी के साथ एक गाना हो जाए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने फेवरेट जगह में, यानी कुंठे गांव में, जहाँ पर कि मैंने आपको पहले ब्लॉगों में भी बताया होगा कि हम यहाँ पर बैठते हैं, और यहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था है। मतलब देखो बैठने लायक पत्थर है, जिसमें बैठा हूँ वो भी ठीक है, ये भी चपटे पत्थर है, मतलब सब। तो यहाँ पर काफ़ी हवा चलती है और अच्छा नेट भी चलता है, तो और मेरे साथ चल रहे हैं रोहित और आदि, ये रहे दोनों। तो ये मुझे आधे रास्ते में मिल चुके थे, काफ़ी आराम से जा रहे थे, और फिर यहाँ पर पानी ले जा रही है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने दुकान पर, और अभी पानी भर लेते हैं थोड़ा सा, अभी क्योंकि सुबह ही पानी आता है, शाम को तो आता नहीं, हैंडपम्प से लाना पड़ता है पीने के लिए पानी, तो नल पे देखता हूँ आता है नहीं पानी। हेलो गाइस, शाम की बज चुके हैं 3 और हम घूमने जा रहे थे, भाई बहुत बिजी था इसलिए उसने मुझे कैमरा पकड़वा दिया, तो हम घूमने जा रहे हैं, दिखाते हैं। बन्नू ने बनाया ब्लॉग, और वंस उसका भाई यानी कि मेरा भाई भी है जो कि रामनगर से आ रहे हैं। फाइनली गाइस हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो देखते हैं कहाँ तक चल रहे हैं।
वंस। तो अभी हम आ चुके हैं बड़े गांव में, उनर गांव के ऊपर। आगे से रोड कटी थी कालिंगा रोड पे, तो रोड काफी अच्छी है क्योंकि नई रोड बनी है इसलिए। बुरास पानी के लिए यहाँ से गई रोड। कट जाएगी चलो। तो आगे रहा बुरास पानी और ऊपर वाली रोड पे आए हम फर्स्ट बार, सब पहली बार। तो अब मनाते हैं हम अपने पिकनिक। तो अभी हम आ चुके हैं एक मस्त सी लोकेशन पर जहाँ पर कि हम अपने पिकनिक मनाएंगे। लिमका नहीं है भाई, स्प्राइट है वो। स्प्राइट, पॉपकॉर्न और कुरकुरा। तो वंस बनाएगा ब्लॉग या बंदू बनाएंगे। हम आ गए हैं और देखना इस इधर का व्यू कितना प्यारा है यार। एंड हम पार्टी कर रहे हैं यार, देखना पार्टी चल रही है। पार्टी गाइस, ये देखो आपका व्लॉगर एंड ये उनकी बहन और ये है इनका भाई एंड ये इनके ताऊ एंड मैं हूँ इनकी बहन। ये देखिए अभी पीजिए, वेट अभी चलते हैं घर की ओर और हम अपनी पार्टी करके आ चुके हैं। आप पहले कमेंट में बताना मैंने कितनी बार गाइस बोला है, सच में कमेंट में सब बोला। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फील्ड में ठंडी हवाई खाने के लिए। वन सा पीछे आया ये रहा। और हमारे साथ हमारे डॉग भी जा रहे हैं। मेरा मन कहने लगा